Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Khurram Ali and you're watching my YouTube channel. Today is 11th November 2021 and it's 3:30 p.m. in the afternoon. Big match again, semi-finals between Pakistan and Australia. मैंने जो पाकिस्तान इंडिया मैच का एनालिसिस किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% करेक्ट निकला था. मैं अगर आपने वो मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा. तो चले आज की तरफ आते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ बिग मैच. पाकिस्तान हैज़ फाइनली मेड इट टू सेमी फाइनल्स. अच्छा, जो बुकीज़ हैं और दूसरी हमारी इवन जो हमारी अपोजिंग टीम्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ द फेवरेट. इंडीड पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान तीनों फेवरेट टीम्स हैं. वजह ये कि ये तीनों बड़ी ट्रिकी टीम्स हैं, अनप्रडिक्टेबल टीम्स हैं, पर्टिकुलरली इन दिस T20 टूर्नामेंट. वह ये है कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने भी अपसेट्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी किए, न्यूजीलैंड ने भी किए. कल आपने देखा है न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का क्या हाल किया था. तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी. ओके, तो हम शुरू करते हैं. टॉस अगेन विल मैटर. और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर टॉस जीतें तो पाकिस्तान को चाहिए कि फील्डिंग करें, क्योंकि अगेन ड्यू फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसकी वजह से पहले बैटिंग करना अकलमंदी नहीं होगी. नंबर टू, अगर टॉस हम हार जाते हैं तो फिर बैटिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन करना ये चाहिए कि कम से कम 180 प्लस स्कोर करें, क्योंकि ये बड़ा डिसेंट स्कोर होगा और इसे डिफेंड करना बॉलर्स के लिए अच्छा होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, अगेन लाइक जो इंडिया मैच में मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम को आज भी ही हैज़ टू प्ले थ्रू ऑल 18 ओवर्स. कम से कम 18 ओवर्स तक तो खेले, क्योंकि बाबर आजम फॉर्म में भी है, टॉप फॉर्म में है. और बड़ी बात यह कि वो अपने जो पार्टनर बैट्समैन होते हैं उनको भी बहुत ही सपोर्ट करता है, तो वो हिट भी करता है और सपोर्ट भी करता है और टीम का दिल बना रहता है अगर बाबर आजम क्रीज पर होता है. तो इसका बहुत ज़रूरी है बाबर आजम का आज वहाँ पर स्टे करना फॉर एटलीस्ट 18 to 19 ओवर्स. पाकिस्तान को एक स्पिनर आज ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो हैं ये स्पिन से ज़रा घबराते हैं, सब कॉन्टिनेंटल के प्लेयर्स के स्पिन बॉल से ज़रा घबराते हैं, तो एक स्पिनर ऐड करना चाहिए. तो ये एक कुछ एनालिसिस है, देखें कितना ठीक निकलता है. बिग मैच है, बड़ा मैच है, आप लोग भी इन्जॉय करें. लेट्स प्रे फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं. सी यू एट द मैच. पाकिस्तान जिंदाबाद.